एक बार फिर से लालू ने बिहार में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की टेंशन बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा टेंशन तो नीतीश कुमार को हो रही है लालू के एक्शन में आने से। आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड में पासा पलटा और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता गई और महागठबंधन की सरकार ने वहां कार्यभार संभाला, लालू प्रसाद टेंशन फ्री हो गए और अब वो खुल करके बिहार की राजनीति को और देश की राजनीति को झारखंड में बैठे बैठे संचालित कर रहे हैं। उन्होंने, जैसा कि भारत लाइव पहले भी बता चुका है और ये गुप्त सूचना के आधार पर हमने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव बिहार में अब चुनाव के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने सबसे पहला टास्क तो तेजस्वी यादव को दिया था दिल्ली कूच करने का, और दिल्ली कूच करने का जो उन्होंने टास्क दिया था उसकी पूरी कवायद और क्या होना है वो सब हमने खबरों में बता दिया है। यदि आप पीछे जाएं तो देख सकते हैं कि भारत लाइव ने पूरे विस्तृत तरीके से आपको एक लेआउट दे दिया था कि किस तरह से दिल्ली में चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने की योजना बन चुकी है। इस योजना में कहीं ना कहीं मूक रूप से हो या फिर प्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार भी एक अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने का। वहीं अब बिहार में लालू प्रसाद ने जम करके नीतीश के लिए टेंशन बढ़ा दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार लगातार जल जीवन हरियाली यात्रा पर बिहार के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद अब मौका है विपक्ष का, और विपक्ष भी पूरी तरह से नीतीश कुमार को घेरने का योजना बना चुका है। सबसे पहले तो योजना आपको बता दें कि CAA, NRC और NPR पर जम करके बिहार में राजनीति हो रही है। इसके बाद तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने एक बड़ा टास्क दे दिया है। जैसा कि आपको पहले भी भारत लाइव ने बताया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से RJD के जो पंचरत्न या नौ रत्न कहा जाए लालू प्रसाद के इर्द गिर्द थे, वो अब पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। जब से जगदानंद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है और शिवानंद तिवारी, रघुवंश प्रसाद और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता एक्शन में आ गए हैं, लालू प्रसाद की बिहार के राजनीति में सक्रिय भूमिका रहेगी। यह हमने पहले ही आपको बता दिया था। भले वो रांची में हो पर बिहार अब उनके बहुत नजदीक है, और बिहार के लिए किस तरह से योजना बनानी है लालू प्रसाद पूरी तरह से एकदम माइंड में योजना बना चुके हैं और उस पर अमल भी शुरू हो गया है। और इसी की एक कड़ी है जिसमें तेजस्वी यादव को दिल्ली के बाद फिर वापस बिहार बुलाया गया है। चुनाव की घोषणा दिल्ली में हो गई है, अब बिहार पर फोकस करने की बात आ रही है, और बिहार में तेजस्वी यादव की चुनावी यात्रा या कहा जाए चुनावी साल में अब यात्रा शुरुआत होने वाली है। जैसे ही खरमास खत्म होगा, हमने बताया था कि 14 तारीख के बाद बिहार की राजनीति में बहुत सारे उलट पलट होने वाले हैं। 16 जनवरी से तेजस्वी यादव की यात्रा फिक्स हो गई है। वो 16 जनवरी को अररिया से अपनी यात्रा का शुभारंभ करेंगे, 17 को किशनगंज जाएंगे और 18 को कटिहार में उनकी सभा होगी, जिसके तहत वो बिहार की राजनीति CAA, NRC और NPR पर जनता को समझाएंगे, एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद से बिहार की राजनीति शुरू होगी। बिहार की राजनीति में ये बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ाने वाला है, खास करके नीतीश कुमार के लिए। जहां भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अभी दिल्ली पर टिका हुआ है, वहीं बिहार में नीतीश कुमार को अपनी सत्ता और गद्दी बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के सियासत पर लालू यादव की जितनी भी बारीक नज़र कही जा पड़ी हुई है। अब इस सियासी दांव पेंच में नीतीश कुमार को भी पता है कि लालू प्रसाद कितने सधे हुए और मजे हुए खिलाड़ी हैं, कब पासा पलट दें ये कहना बड़ी मुश्किल है। इस बार लालू प्रसाद अपने पुत्र तेजस्वी यादव के लिए रणनीति बना रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि 2015 में जब नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाने के लिए उन्होंने राजनीति की थी तो राजनीति कितनी भयावह हुई थी, जिसने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एक बड़े नाम को ध्वस्त कर दिया था। इस बार तो मामला थोड़ा सा पक्ष में नजर आ रहा है तेजस्वी यादव, RJD और महागठबंधन के, क्योंकि अगल बगल के राज्यों में जिस तरह के माहौल बने हैं वो साफ कर रहा है कि बिहार में भी लगभग उसी तरह की स्थितियां हैं। लोगों में भी एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो नीतीश कुमार का लगातार भेजा जा रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार के दोस्त ही क्यों न हो, नीतीश कुमार के
पीछे बैक बीचिंग जरूर कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के बिहार का मूड भांपने के लिए तेजस्वी यादव का 16 तारीख से यात्रा होगा और ये यात्रा निश्चित रूप से लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी पर होगा और इस यात्रा में वो सारा रंग दिखेगा जो लालू प्रसाद के दौरा और लोगों के बीच जानकर संवाद स्थापित करने में रहा है। इस मूड भांपने के बाद जैसे ही तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से मिलेंगे और फीडबैक देंगे तो बिहार की राजनीति में एक नए तरह का आपको रंग रूप और तासीर नजर आ सकता है जो होली के बाद और व्यापक रूप में रंग के साथ बिखरता हुआ आपको नजर आ सकता है। चुनावी सरगर्मी बिहार में तेज हो चुकी है, भले चुनाव दिल्ली में हो बार बार हम कह रहे हैं पर तासीर और गर्मी बहुत ज़्यादा बिहार में है क्योंकि बिहार सबके लिए बहुत अहम है, चाहे वो लालू प्रसाद हों, नीतीश कुमार हों या भारतीय जनता पार्टी हो, यहीं से सबको वापसी करनी है और नीतीश कुमार को ये प्रूफ करना है कि वो लालू प्रसाद से बड़े राजनेता है। इस जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, पर जंग कितना भयावह होगा, कितना मज़ेदार होगा और कितना ज़्यादा उमस पैदा करेगा ये अभी से पता चलने लगा है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, वो विश्लेषण मिस कर रहे हैं जो आपको आने वाले बिहार के भविष्य के बारे में बताएगा, वो आप मिस कर रहे हैं जो आपसे छूट जा रही है आपके दिनचर्या में। हम आपको उस हर खबर से रूबरू कराते हैं, अवगत कराते हैं और वो भी मुफ्त में बिना कुछ खर्च किए हुए। सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और एक बेल आइकॉन बगल में जो नज़र आ रहा है उसको क्लिक करते ही ऑल पे आप जैसे ही दबाएंगे सारी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती जाएंगी। फिर हम मिलते हैं किसी खबर या विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त और आप देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।